अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो मैंने आप लोग को दिया था सॉल्व करने के लिए। देखिए अभी जो मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ, क्वेश्चन बना रहा हूँ, इसको आप तभी देखें जब इससे पहले वाला आप लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे तो। क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं जिसका पूरा इस पर इस्तेमाल होगा। तो इस क्वेश्चन के लेक्चर को देखने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन था एक्स 3 माइनस 4x एक्स प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 5 लेस देन 0। ओके, देखिए बिल्कुल आसान है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ मैंने क्या बोला था कि एक्स के सारे कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है। यहाँ पे देखो सब पॉजिटिव है, ये एक प्रॉब्लम कर रहा है ना। तो इधर से माइनस बाहर निकाल देंगे, एक्स माइनस बाहर निकाल लेते हैं, 4x माइनस 3 एक्स प्लस 1 2x माइनस 5 लेस देन 0। ठीक है, ये माइनस इधर निकल जाएगा, माइनस एक्स 4x माइनस 3 एक्स प्लस 1 2x माइनस 5 लेस देन 0। ये माइनस साइन हम लोग को हटाना पड़ेगा है ना। तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, उल्टा। तो कैसा बन जाएगा ये, एक्स 4x माइनस 3 दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स प्लस 1 2x माइनस 5 ये कैसा, ग्रेटर देन 0। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन में दिखा लेते हैं कि कौन कहाँ कहाँ पे 0 होगा। ये कहाँ पे 0 होगा, 0 पे होगा। ये कहाँ पे 0 हो जाएगा बताइए, एक्स इज इक्वल टू 3/4 पे है ना, ये 3/4 पे। ये कहाँ पे 0 होगा, एक्स इज इक्वल टू -1 पे। ये कहाँ पे 0 होगा, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 5/2 पे। एक्स इज इक्वल टू कितना, 5/2 हो गया। इधर प्लस इंफिनिटी है और इधर माइनस इंफिनिटी है। अब राइट साइड में देखिए सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव है, राइट साइड में अपने मन से प्लस 5/2 यहाँ से। देखिए सबका पावर ऑड ही है ना, किसी का पावर तो इवन है नहीं, यानी कि हमेशा साइन अल्टरनेट चेंज होते चला जाएगा। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पे इक्वेलिटी तो नहीं है, यानी कि पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है, यानी इन सब को इंक्लूड नहीं करना है। अब ग्रेटर देन 0 यानी बोला कि प्लस वाला ना, प्लस वाला पार्ट कहाँ पे है, इसके इधर है, इसके बीच में है और इसके इधर है। तो देयरफॉर कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, माइनस इंफिनिटी से लेकर के -1 तक है ना, यूनियन 0 से लेकर के 3/4 तक, यूनियन 5/2 से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक। ये हो जाएगा अपना रिक्वायर्ड आंसर पहले क्वेश्चन का। सेकेंड नंबर देख लेते हैं, सेकेंड नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन है एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 4 स्क्वायर एक्स प्लस 6 लेस देन इक्वल्स टू 0। यह है सेकेंड नंबर। अब इसमें देखिए ये तो डायरेक्ट सीधा सीधा है, इसमें तो बताने का वैसे जरूरत भी नहीं है, है ना। सबका कोफिशिएंट ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव ही है, यानी कुछ इसमें करना नहीं है। तो सबको चेक करा दो नंबर लाइन पे, कौन कहाँ कहाँ पे 0 होगा उस पॉइंट को दिखा दो। अगर कोई 0 नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये कहाँ पे 0 होगा, ये 3 पे। ये कहाँ पे 0 होगा, -5 पे। ये कहाँ पे 0 होगा, 7 पे। ये कहाँ पे 0 होगा, 4 पे। ये कहाँ पे 0 होगा, -6। हमने इस तरीके से दिखा दिया, इधर प्लस इंफिनिटी है, इधर माइनस इंफिनिटी हो गया। सारा कोफिशिएंट पॉजिटिव है, राइट साइड में अपने मन से प्लस। 7 को क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से, पावर क्या है, ऑड, माइनस। 4 को क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से, आया है पावर क्या है, इवन, साइन चेंज नहीं होगा। 3 आया यहाँ से, पावर क्या है, ऑड, साइन चेंज होगा। -5 कहाँ से आया, यहाँ से, पावर क्या है, ऑड, साइन चेंज होगा। और -6 कहाँ से आया, यहाँ से, पावर क्या है, ऑड, साइन चेंज होगा, है ना। इक्वालिटी भी है, मतलब कि पॉइंट्स को इंक्लूड करना है लेकिन डिनोमिनेटर वाले को छोड़ करके। तो किसको किसको छोड़ना है, 4 को और -6 को छोड़ देना है, 4 को और -6 को छोड़ देना है, बाकी सबको हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ओके, अब लेस देन 0 कर रहे हैं यानी कि निगेटिव वाला पार्ट ना, तो निगेटिव वाला पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, देखिए यहाँ पे है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 4 को छोड़ करके,
ओके, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यहीं तक है ना, और तो कहीं है भी नहीं। तो देयरफॉर अब हम लोग कैसा लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -6 से लेकर के -5 तक, क्लोज इंटरवल यूनियन कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेकर के 7 तक। तो जब ऐसे 3 से लेकर के 7 तक लिखे तो ये 4 इंक्लूड हो गया ना, तो -4 ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर इसी का दूसरा तरीका था, एक्स बिलोंग्स टू -6 से लेकर के -5 तक यूनियन, 3 से लेकर के 4 तक यूनियन, 4 से लेकर के 7 तक। तो इसमें क्या हो रहा है कि 3 से 4, फिर 4 से 7, लेकिन 4 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो ये दोनों बात क्या है, सेम ही है। तो ये तो डायरेक्ट था, सीधा सीधा, इसमें कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। थर्ड नंबर कहता है कि 5x+1 x+1 स्क्वायर x+1 स्क्वायर is less than 1। ठीक है, अभी जरा देखो बच्चे, यहाँ पे हम लोग इनइक्वालिटी में क्या करते हैं, जनरली कभी भी हम लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करा देते हैं डायरेक्ट कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्रॉस करा दिए। अगर आप इस चीज को ऐसे सॉल्व करोगे कि 5x+1 की मान लीजिए 1 है, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि सपोज करो कि अगर ऐसा है a/b <b> लेस देन, या फिर ऐसा है मान लो a/b <b> लेस देन c/d है। अगर आप इसको ऐसे करोगे a(d) <b> लेस देन c(b) और इस तरीके से सॉल्व करोगे इनइक्वालिटी, तो आपका वैल्यू मिस हो जाएगा। ऐसे हम लोग क्रॉस नहीं करेंगे कभी भी। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि 1 को इधर लेके आएंगे, यानी हो जाएगा 5x+1 x+1 स्क्वायर -1 कितना <0। इसको इधर लेके आएंगे तो 0 माइनस में आ जाएगा। अब इसको यहाँ से 5x+1 माइनस ये इसके साथ करा x+1 स्क्वायर, एलसीएम में कितना बचेगा x+1 स्क्वायर <0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस ये x² + 1 प्लस कितना 2x, इधर से x+1 स्क्वायर <0। ठीक, इसको इधर सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कितना है अपने पास, ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा 5x+1 माइनस, सुना नीचे लेते हैं आपसे, 5x+1 -x² -1 -2x अपॉन कितना x+1 स्क्वायर <0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, ये देखिए ये -x² रह गया, ये 5x - 2x कितना, ये 3x रह गया है ना, और ये कैंसिल हो गया, ये x+1 स्क्वायर <0। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, -x कॉमन निकाल लेते हैं, ये बच जाएगा x-3 x+1 स्क्वायर <0। देखिए एक माइनस आ गया ना, तो एक्स के सारे कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, तो हम लोग इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इस माइनस को हटाने के लिए, तो कितना हो जाएगा x x-3 x+1 स्क्वायर कितना <0। ऐसा हो गया, दोनों इस माइनस को हटाने के लिए हमने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये इनइक्वालिटी उल्टा हो जाएगा। अब कहाँ कहाँ पे 0 होगा, ये कहाँ पे 0 होगा, 0 पे, ये कहाँ पे 0 होगा 3 पे, ये कहाँ पे 0 हो सकता है -1 पे, राइट साइड में अपने मन से प्लस 3 को क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ से आया, पावर क्या है ऑड, साइन चेंज होगा। उसके बाद 0 कहाँ से आया, यहाँ से, पावर क्या है ऑड, साइन चेंज होगा। -1 कहाँ से आया, यहाँ से, पावर क्या है इवन, साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जरा देखिए, केवल इक्वालिटी तो था नहीं, यानी पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना है, पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना है। अब आंसर क्या बोल रहा है, प्लस वाला ना, प्लस वाला किधर आया, इसके इधर आया प्लस वाला, और इधर से इधर आया प्लस वाला, लेकिन इस चीज को छोड़ करके। तो देयरफॉर कैसा लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू -∞ से 0 है ना, यूनियन 3 से इन्फिनिटी, लेकिन जब हम लोग -∞ से 0 किए तो -1 इंक्लूड हो गया ना,
एक्सक्लूडिंग कितना माइनस वन ऐसे, या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन माइनस वन से जीरो यूनियन थ्री से लेकर के इन्फिनिटी तक ऐसे भी लिख सकते थे, अपना काम हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट फोर्थ फोर्थ नंबर है। क्वेश्चन नंबर फोर है सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इज लेस देन इक्वल टू फोर, ऐसा आ गया। अब जरा ध्यान दो बच्चों, हम लोग इसको इधर लेके आ जाएंगे, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सिक्स माइनस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो, इसको मल्टीप्लाई कर देते ऊपर में, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन कितना एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सिक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, यानी कि दिस इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट एक्स प्लस थ्री एक्स बचेगा है ना, और माइनस थ्री माइनस ट्वेंटी फोर कितना माइनस ट्वेंटी सेवन, ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सिक्स कितना लेस देन इक्वल टू जीरो। ये देखिए ऐसा बनिए अपने पास। अब यहाँ पे देखो फैक्टराइज ही नहीं हो रहा है, ये प्राइम फैक्टराइज हो रहा है क्या सत्ताईस और ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन शायद हो जाएगा, फिफ्टी फोर आता है ना, हाँ ये तो फैक्टराइज हो जाएगा, यानी कि इधर से जो अपने पास आया है प्रोडक्ट है छः बी स्क्वायर माइनस फोर एक्स। अब जरा देखो यहाँ पे ये टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी सेवन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सिक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, ये तो फैक्टराइज हो रहा है, सत्ताईस दूनी चौवन है ना, और नौ और छः और नौ से, यानी कि इसको हम लोग ऐसे टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सिक्स एक्स ओके माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन एक्स माइनस ट्वेंटी सेवन ये फैक्टराइज ही होगा ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सिक्स लेकिन फैक्टराइज नहीं होगा तो उसका दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया है इससे पहले वाले लेक्चर में, इसलिए मैं कह रहा था बताने वाला देख लेना। इसको हम लोग कितना लिखेंगे बच्चों, टू एक्स एक्स माइनस थ्री प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री ओके एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सिक्स दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो, इधर से आ गया टू एक्स प्लस थ्री ये एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सिक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। अब जरा ध्यान दो ये कहाँ पे जीरो होगा, नंबर लाइन में दिखाते हैं ये कहाँ पे जीरो होगा, ये हो जाएगा माइनस थ्री बाई टू पे जीरो, ये कहाँ पे जीरो होगा थ्री पे जीरो होगा। अब देखते हैं ये कहाँ पे जीरो होगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सिक्स ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो जरा इसका डी का वैल्यू निकालिए तो, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना आ रहा है ये यार डी यानी कितना आएगा डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि माइनस टू स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू सिक्स यानी कितना फोर माइनस ट्वेंटी फोर यानी कितना आ जाएगा माइनस ट्वेंटी, यानी कि देखिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी किस में आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, मतलब कि ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है ना, यानी ये कभी भी जीरो नहीं होगा, तो जब कभी भी जीरो होगा ही नहीं तो जो पार्ट जीरो नहीं होगा उसको हम लोग छोड़ देते थे, इसका मतलब ये जीरो नहीं होगा तो हमने क्या किया इसको छोड़ दिया, नंबर लाइन पे ये जीरो होगा ही नहीं तो इसका कोई रूट बनेगा ही नहीं, इसका जीरो जाएगा नहीं तो नंबर लाइन पे दिखाएंगे कैसे, तो इसको हमने छोड़ दिया एज इट इज, इससे पहले वाले लेक्चर मैंने बताया आपको डिटेल में, इसको छोड़ दिए ये जीरो होगा नहीं। अब जरा देखो इक्वालिटी है ना तो पॉइंट को क्या करना है इंक्लूड करना है, राइट साइड में अपने मन से प्लस थ्री कहाँ से आया यहाँ से, साइन क्या है पावर क्या है और साइन चेंज होगा उसी तरीके से माइनस थ्री बाई टू यहाँ से ऐसा आ गया। अब लेस देन बोल दिया तो इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो देयर फोर एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक माइनस थ्री बाई टू से थ्री तक ओके। अब जरा एक बात ये भी देखिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सिक्स को हमने ऐसे फैक्टराइज नहीं हो रहा था तो हमने
डी वाले मेथड से था ट्रैक करना शुरू किया। तो जिसका डी किस में आ गया, निगेटिव, इसका मतलब जिसका अगर डी निगेटिव आ जाता है उसका रूट रियल होता ही नहीं है, यानी वो कभी जीरो होगा नहीं, यानी कि ये कभी जीरो होगा ही नहीं, तो नंबर लाइन पे इसको रूट को नहीं दिखाएंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी नेगेटिव है, डी क्या है नेगेटिव और ए क्या है पॉजिटिव, तो अगर डी नेगेटिव है ए पॉजिटिव है तो हमेशा वो वैल्यू क्या लेगा, प्लस ही देगा। मतलब कि ये हमेशा कैसा वैल्यू देगा, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। और जब ये हमेशा पॉजिटिव ही देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जीरो होगा ही नहीं, और जीरो होगा नहीं तो इसको नंबर लाइन पे दिखाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, ये हमारा फोर्थ नंबर। फिफ्थ नंबर करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर फाइव है, एक्स प्लस टू स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स। इसको जरा सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर इज ग्रेटर देन एक्स, है ना, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको इधर लेके आएंगे एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ना, फोर एक्स प्लस फोर माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, है ना, प्लस थ्री एक्स प्लस फोर कितना ग्रेटर देन जीरो। ठीक, अब जरा देखते हैं, ये तो फिर से फैक्टराइज नहीं होगा, प्रोडक्ट है, फोर सम है तीन, तो ऐसा करते हैं इसका हम लोग डी निकालते हैं। डी कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, कितना आ जाएगा डी, डी स्क्वायर यानी दैट इज माइनस फोर इंटू वन इंटू फोर, यानी कि नाइन माइनस सिक्सटीन, यानी कितना आ गया माइनस सेवन, यानी लेस देन जीरो। यानी जरा देखिए, ये इसका डी क्या है, लेस देन जीरो है, और इसका डी लेस देन जीरो है, और ए क्या है पॉजिटिव, है ना, यानी कि इसका डी लेस देन जीरो है, इसका डी लेस देन जीरो है और ए क्या है पॉजिटिव। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर डी नेगेटिव होता है और ए पॉजिटिव होता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेता है, चाहे उसमें कोई सा भी एक्स्ट्रा वैल्यू डालो वो हमेशा कैसा वैल्यू रिटर्न करेगा, पॉजिटिव। इसका मतलब कि देयरफोर, देयरफोर क्या हो जाएगा, देयरफोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर इज क्या, ऑलवेज पॉजिटिव, कोई सा भी वैल्यू डालो ये हमेशा क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। और इक्वेशन क्या कह रहा है कि एक्स का ऐसा वैल्यू बताइए कि ये या तो पॉजिटिव हो या फिर जीरो हो, या इसका कोई सा भी वैल्यू डाल रहे तो ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो देयरफोर इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब इसका आंसर आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप इसमें कुछ भी डालिए, कोई सा भी वैल्यू डालिए, हमेशा क्या देगा, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न करेगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझा है कैसे, कैसे हमने बता दिया, इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस फोर ग्रेटर देन जीरो, यानी एक्स का वैसा वैल्यू बताना है जो इसको सेटिस्फाई करे। देखिए यहाँ पे ये फैक्टराइज हो नहीं रहा है, फैक्टराइज हो नहीं रहा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, वो डी निकाल करके वो जो अपना मेथड है उससे फाइंड करेंगे। तो जब हम लोग इसका डी निकालने गए तो डी किस में आ गया, निगेटिव आ गया। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका डी निगेटिव है और ए क्या है पॉजिटिव, तो हमेशा क्या रहता है, वो हमेशा प्लस में वैल्यू रहता है, उसमें कोई सा वैल्यू डालो आप, यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगा। आप इसमें एक्स माइनस में ही पुट करके देखो ये आंसर कितना आएगा, प्लस रहेगा, यानी कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू। और पूछ भी क्या रहा है कि कौन से वैल्यू के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा, किसी भी वैल्यू डालो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो देयरफॉर हमने क्या लिख दिया, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये अपना हो जाएगा आंसर। सिक्स नंबर सॉल्व करेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, रूट अंडर टू प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स माइनस फोर। दोनों तरफ स्क्वायर करिए, टू प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन, स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस फोर स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, टू प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस एट एक्स, ये ना, प्लस कितना, सिक्सटीन। ठीक है, ऐसा करते हैं सबको उधर लेकर के जाते हैं, तो इधर बचेगा जीरो, है ना, बचेगा जीरो, ये इधर गया एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्सटीन, ये उधर लेके जाएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस एक्स, इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस टू, यानी कितना आ गया, जीरो ग्रेटर देन टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स, है ना, एट एक्स नाइन एक्स सिक्सटीन, और ये कितना प्लस फोर्टीन। इसी को अरेंज करके लिख लेते हैं, कितना लिखेंगे इसको,
2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज क्या लेस देन 0। ठीक है, अब ये फैक्टराइज हो रहा है क्या 14 और 2, अगर इसको फैक्टराइज करने के जाएंगे तो 14 कितना 2 छठे 2 दुने 4, 7 दुने 14 और 2, फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो हम लोग इसका क्या करते हैं डी निकाल लेते हैं। डी कितना आ गया बी स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर माइनस 4 ए सी टू इंटू कितना 14, यानी आ गया 81 माइनस 4 टू 8 इंटू कितना 14 है ना, कितना आ जाएगा ये 81 माइनस 8 32 14 8 112 है ना, 14 8 112 इतना आ गया 8 32 3 8 3 11, यानी ये कितना आता है आंसर यहाँ से, यहाँ जाएगा 1 माइनस 31 आ गया, यानी डी क्या आ गया -31। अब जरा देखो अगर डी इसका पॉजिटिव आता तो रियल रूट आता, डी कैसा आ जा रहा है निगेटिव, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी क्या है निगेटिव और ए क्या है पॉजिटिव। तो अगर कोई सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डी निगेटिव हो और ए पॉजिटिव हो तो हमेशा कैसा वैल्यू रिटर्न करता है पॉजिटिव, इसका मतलब कि देयर फोर 2x² - 9x + 14 है ना प्लस 14 इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो 2x² - 9x + 14 इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x का वो वैल्यू बताइए कि ये निगेटिव हो जाए, इसको तो हमेशा पॉजिटिव रहना है और ये निगेटिव का भी हो नहीं सकता है, तो देयरफॉर इसका आंसर क्या हो जाएगा x बिलोंग टू 5, मतलब कि x का कोई ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि जहां पे ये क्या हो जाए लेस देन 0 हो जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, है 3 का पावर x - 1, 5 का पावर x - 1 एंड x + 2² इज लेस देन इक्वल्स टू 0। हम लोग जहां जहां पे 0 होगा दिखा देंगे, अभी तरह देखिए ये कहां पे 0 होगा बताइए, ये 3x - 1 था, जब x का वैल्यू 0 हो जाएगा, x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो किसी भी चीज का वैल्यू जब हम लोग 0 करते हैं तो कितना हो जाता है 1, यानी कि जब x 0 हो जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा 1 और 1 - 1 कितना 0, यानी कि ये 0 पे 0 हो सकता है, हो सकता है ना। उसी तरीके से ये भी क्या होगा x इक्वल टू 0 करेंगे तो 1 - 1 0, यानी कि ये भी 0 पे 0 हो सकता है, यानी कि 0 दो बार आ गया, 0 कितने बार आ गया दो बार आ गया ना, एक बार यहां से आ गया और एक बार यहां से आ गया, तो इसका मतलब हम लोग क्या मानेंगे कि 0 दो बार आ रहा है, मतलब कि इसको जस्ट लाइक ए इवन पावर। अब जरा से देखिए, मैंने लिख दिया था x + 2² = 0, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा -2 पे 0 होगा ना, -2 पे 0 होगा और इसका पावर क्या है इवन है, यानी कि -2 दो बार आएगा, ये तो ऑड इवन बताता है कि x = -2 पे 0 हो जाएगा, लेकिन इसका पावर क्या है 2 है, यानी कि -2 दो बार आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि देखिए यहाँ से एक बार 0 आया, यहाँ से एक बार 0 आया, ये इवन टाइम्स आया ना, तो जो इवन टाइम्स आता है उसको क्रॉस करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, ये इधर ये 0 कब होगा -2 पे, ये क्या होगा -2 पे, इसका भी पावर क्या है इवन है। राइट साइड में अपने मन से क्या लिख दिया हमने प्लस, सबसे मन से क्या लिख दिया प्लस, इसको क्रॉस कर रहे हैं ना, इसको क्रॉस कर रहे हैं 0 को, 0 यहाँ से आया है यहाँ से आया है, 0 कितनी बार आ गया दो बार आ गया, इवन टाइम आ गया, इवन टाइम आ गया तो साइन चेंज नहीं होगा, तो क्या रह जाएगा प्लस ही रह जाएगा। अब -2 यहाँ से आया है, इसका पावर क्या है इवन है, इवन है तो फिर से साइन चेंज नहीं होगा, क्या रह जाएगा प्लस ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है इक्वालिटी ना, यानी कि पॉइंट्स को हमें क्या करना है इंक्लूड करना है, पॉइंट्स इंक्लूड करना है तो इसको इंक्लूड करेंगे हम लोग, इसको इंक्लूड करेंगे लेकिन इसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में है, और इसके इधर क्या है इन्फिनिटी है माइनस और इधर है प्लस इन्फिनिटी, तो माइनस लेस देन और इक्वल टू 0 बोला ना। अब जरा देखिए नंबर लाइन पे, तो देखिए ये पूरा का पूरा क्या है पॉजिटिव है,
यानी ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, कहीं पे निगेटिव नहीं है। हाँ लेकिन ये इक्वल टू जीरो है, तो इक्वल टू जीरो कहाँ पे है, यहाँ पे है केवल, निगेटिव तो नहीं है लेकिन इक्वल टू जीरो कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो देयरफॉर हम लोग कैसा लिख देंगे, एक्स इज इक्वल टू कितना, जीरो, केवल एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ही ये जीरो होगा, अदरवाइज ये हमेशा क्या है, ये पॉजिटिव है। तो इसका क्या आंसर आया, ये आंसर आ गया एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर सपोज करो कि इसको हटा दिया होते, अगर इसको हटा दिए होते बोलते एक्स लेस देन जीरो, यानी कि लेस देन जीरो होना चाहिए, तो कहीं पे भी ये लेस देन जीरो है क्या, हर जगह पे क्या है, पॉजिटिव ही है। तो इसका आंसर फिर कितना लिख देते हैं, एक्स इक्वल टू फाइव, मतलब ऐसा कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं है कि जिसकी वजह से निगेटिव में हो गए। ये इक्वल टू जीरो है तो क्या हो रहा है कि भाई निगेटिव तो नहीं है लेकिन इक्वल टू जीरो है ना, कहाँ पे जीरो है, जीरो पे चलते इसका आंसर कितना हो गया, एक्स इक्वल टू जीरो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर एट, एक है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सेवन इज लेस देन माइनस फाइव। ओके ये थोड़ा सा ऐसा आ गया जो भी आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये पावर फोर में चला जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग जरा, ये लेस देन माइनस फाइव है डी स्क्वायर माइनस फोर एसी, तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस फाइव को इधर लेकर के आना पड़ेगा, माइनस फाइव को इधर लेकर के आएंगे, माइनस फाइव को इधर लेकर के आएंगे, फिर इस पूरे को सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो ये इक्वेशन, ये क्वेश्चन गलती से डाल गया है, अभी आप लोगों ने इतना बड़ा फैक्टराइजेशन नहीं सीखा है, तो इसको हम लोग बाद में सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी मैंने आप लोग को इसका सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का पावर फोर, एक्स का पावर, पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको पॉलिनोमियल्स पढ़ना पड़ेगा, ये गलत से क्वेश्चन डल गया था, इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ने के बाद पॉलिनोमियल्स को, इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन है टू बाई एक्स प्लस वन माइनस थ्री बाई एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सॉल्व किया जाए इसको, एलसीएम में एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू आ जाएगा, इसको कितना टू एक्स माइनस टू माइनस थ्री एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इधर से कितना आ जाएगा, टू एक्स माइनस फोर माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना बचेगा ऊपर में, ये ऊपर में बचेगा माइनस एक्स, है ना, ऊपर में बचेगा माइनस एक्स, और ये कितना माइनस सेवन, नीचे एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू कितना ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मैंने क्या बताया था कि एक्स का कॉफिशियंट कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तो निगेटिव है ना, तो हटाना पड़ेगा ना, तो माइनस बाहर निकालते हैं, ये एक्स प्लस सेवन आ जाएगा, एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस लग गया, माइनस को हटाना है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कैसा बचेगा, ये एक्स प्लस सेवन एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो, ऐसा आ जाएगा। अब नंबर लाइन में दिखा दो, ये कहाँ पे जीरो होगा, टू से, ये कहाँ पे जीरो होगा, माइनस वन से, है ना, और ये कहाँ पे जीरो होगा, माइनस सेवन पे। राइट साइड में अपने मन से प्लस, इसको क्रॉस किए माइनस, इसको क्रॉस किए पावर ऑन, है ना, प्लस माइनस, ऐसा हो गया, इससे इधर इंफिनिटी, इससे इधर माइनस इंफिनिटी, इक्वालिटी है, यानी पॉइंट्स को इंक्लूड करना है तो, लेकिन डिनोमिनेटर वाले को छोड़ करके, तो हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे, इसको और इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अपने पास आंसर क्या बताना है, लेस देन जीरो, तो नेगेटिव कहाँ पे आया बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव आया, और कहाँ पे नेगेटिव आया, इसके इधर नेगेटिव आया, देयरफॉर कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस सेवन, माइनस सेवन में ओपन इंटरवल क्योंकि इसको छोड़ देना है, यूनियन कहाँ से कहाँ तक, माइनस वन से टू तक, ये हो जाएगा अपना रिक्वायर्ड आंसर। ओके देन आफ्टर टेंथ नंबर, टेन नंबर है फोर माइनस एक्स क्यूब
2 minus x square 2x minus 1 less than equal to कितना 0। ये तो आसान है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस यहाँ पे मैंने आप लोग क्या बताया था कि कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव है तो इसको ऐसा करते हैं माइनस बाहर लेते हैं, तो x माइनस 4 क्यूब, इधर से भी माइनस बाहर लेंगे तो x माइनस 2 स्क्वायर, ये कितना 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, ये माइनस 1 क्यूब है ना, तो माइनस 1 का क्यूब, तो इवन का सॉरी नेगेटिव का ऑड पावर क्या होता है, नेगेटिव जो होता है, तो जब ये माइनस 1 का क्यूब बाहर निकलेगा तो बाहर कितना आएगा माइनस बचेगा, यानी ये बचेगा इधर से माइनस माइनस एक्स माइनस 4 क्यूब। अब जब देखिए ये माइनस 1 का स्क्वायर है, तो जब ये माइनस का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये तो प्लस हो जाएगा, और ये कितना बच जाएगा ऑनली कि x माइनस 2 का स्क्वायर बच जाएगा, इधर से 2x माइनस 1 है ना, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए एक माइनस बच गया, तो अब इस बचे हुए माइनस को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, यानी ये कैसा बन जाएगा, इधर से ये बच जाएगा x माइनस 4 एक्स माइनस 4 क्यूब, ओके, इधर से एक्स माइनस 2 स्क्वायर, इधर से 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा उल्टा। अब क्या करो, नंबर लाइन पे दिखा दो सबको, नंबर लाइन पे दिखा देते हैं, ये कहाँ से आएगा 4 पे, यह कहाँ पे आ जाएगा 2 पे, और ये कहाँ पे 1 बाई, हो गया अपना काम। राइट साइड में अपने मन से प्लस, 4 कहाँ से आया यहाँ से, पावर क्या है ऑड, साइन चेंज होगा, 2 कहाँ से आया यहाँ से, पावर क्या है इवन, साइन चेंज नहीं होगा, ये 1 बाई 2 आया यहाँ से, पावर क्या है ऑड, साइन चेंज होगा, इक्वालिटी है, यानी कि पॉइंट्स को इंक्लूड करना है लेकिन डिनोमिनेटर वाले को छोड़ करके, केवल न्यूमिनेटर के पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे डिनोमिनेटर वाले को छोड़ देंगे, और आंसर क्या कह रहा है पॉजिटिव वाला पार्ट, तो पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ पे आया बच्चों, इधर से इधर और इधर से इधर, और इक्वल वाला भी तो है, तो यहाँ पे भी तो आ जाएगा ना ये इक्वल टू 0, पॉजिटिव भी होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे भी 0 है, ठीक है। तो देयरफॉर कैसा लिखेंगे, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से 1 बाई 2 का ओपन इंटरवल यूनियन 2 पॉइंट्स को केवल इंक्लूड किया, कर्ली ब्रैकेट केवल पॉइंट्स को इंक्लूड करता है, यूनियन कहाँ से कहाँ तक 4 से इंफिनिटी तक, और ये हो जाएगा अपना आंसर। तो ये 10 क्वेश्चन थे है ना साइंस स्ट्रीम पे, अगर आपने पहले के सारे लेक्चर्स देखे हैं और इन क्वेश्चन को आपने समझ लिया तो आपका ये टॉपिक फिनिश हो गया। नेक्स्ट टाइम मैथ्स में हम लोग नया टॉपिक इस्तेमाल करेंगे लॉग निकालने के लिए, जिसका जरूरत बार बार हम लोग को पड़ता है, तो अगले मैथ्स के टॉपिक में हम लोग लॉग के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा। तो अभी तक आप लोगों को मैंने जितना पढ़ाया है वो सारा आप लोग पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, इन्हीं समय से आपको मंडे टेस्ट में पूछा जाएगा।